वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक की बात की जाए तो 8.30 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा वोडाफोन आइडिया स्टॉक, 1.84% की तेजी देखने को मिली है। तो रिसेंटली वोडाफोन आइडिया स्टॉक के हम लोग फंडामेंटल नंबर चेक करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे कि मार्केट कैप जो है 26,000 करोड़ के बुक वैल्यू देख सकते हो माइनस में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ROC नहीं है, PV नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, फेस वैल्यू 10 की है। फिर भी कंपनी के ऊपर टोटल जो लोन है 2,48,000 करोड़ का लोन है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट बात की जाए तो कंपनी लॉस में जा रही है 28,000 करोड़ से ज़्यादा। EPS की बात की जाए तो देख सकते हैं कि -9 का है। रिटर्न की बात की जाए तो देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे माइनस में ही दिखाई दे रही है। सेल्स भी यहाँ पे देखा जाए सिर्फ 4% ऑफ सेल्स। फिर इन्वेस्टमेंट जो है 5.60 करोड़ की है और टोटल एसेट 2,17,000 करोड़ के है। EBITDA 16 का है, इक्विटी कैपिटल 32,000 करोड़ है। और यहाँ पे प्रोमोट होल्डिंग जो कि अच्छी बात है, जो कि प्रोमोट होल्डिंग पूरी की पूरी प्लेज नहीं है, जो कि अच्छी बात है 75%। एवरेज प्रॉफिट जो है यहाँ पे देखा जाए पिछले 5 सालों का तो कंपनी लॉस कर रही है 22,000 करोड़ का एवरी या फिर ईयर पिछले 5 सालों में। रिसेंटली देखा जाए तो वॉल्यूम भी देख सकते हैं एज कम्पेयर टू पिछले कई दिन देखा जाए तो वॉल्यूम पहले देख सकते कि अच्छा था, फिर यहाँ पे कम होते होते रिसेंटली कोई खास वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। फिर आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है वो तकरीबन सेम है, जो कि यहाँ पे मार्च क्वार्टर में था वैसे ही यहाँ पे रिसेंटली है। फिर यहाँ पे रिजर्व शीट जो है वो यहाँ पे माइनस में बहुत ज़्यादा जा रही है। बोरोइंग जो थी 40,000 करोड़ की बोरोइंग थी, जो 2,48,000 करोड़ की बोरोइंग, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर्जा लिया है। फिर बात करते हैं फिक्स एसेट की, तो फिक्स एसेट की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 1,82,000 करोड़ के फिक्स एसेट है जो कि यहाँ पे बढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस जो 461 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6 करोड़ का है। तो ये थे लेटेस्ट फंडामेंटल्स यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए।